क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सी टेट में जहाँ स्टेट टेट में जो होने जा रहा है सिलेबस बीएड का फर्स्ट से फोर सेम का पूरा आता है टेस्ट में, ये क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? जिन स्टूडेंट्स की अभी एडमिशन हुई है उनको ये टेंशन है कि उन्होंने फर्स्ट से फोर सेम का कोई सिलेबस तो पढ़ा नहीं है, तो अपीयर कैसे होंगे? ये बात पहला आंसर आपका ये है कि फर्स्ट से लेकर फोर सेम का पूरा सिलेबस इसमें नहीं आता। इसमें फंडामेंटल जो हैं साइकोलॉजी की थ्योरीज होती हैं और प्लस सोशल एस्पेक्ट थोड़े होते हैं, इंक्लूजन जेंडर उसके कुछ पार्ट होते हैं, सारा सिलेबस नहीं आता। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, जब आप सिलेबस बीएड का या डीएलएड का सेम वाइज पढ़ते हो तो वो आप सब्जेक्टिव टाइप के लिए, सब्जेक्टिव टाइप मीन ऐसे टाइप क्वेश्चन टाइप आपको क्वेश्चन आता है और उसका आप चार पाँच छः पेजेस में उसका जवाब देते हो, यहाँ ना गप्पे बहुत लग जाती है। लेकिन जो टीईटी का एग्ज़ाम होना है इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं उसमें ए मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप है, क्वेश्चन वन आया ये वाला, उसकी एक दो तीन चार ऑप्शन है, इसका राइट मीन राइट। तो बीएड की तैयारी के लिए थोड़ा डिफरेंट है, ये नहीं है कि रिलेशन नहीं है, ओवरलैपिंग नहीं है, कॉमननेस नहीं है, जहाँ उसका फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा होगा। लेकिन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप को सॉल्व करने के लिए स्ट्रेटजीज और नॉलेज थोड़ी डिफरेंट लेवल की चाहिए, स्पेसिफिक चाहिए, तो उसकी तैयारी डिफरेंट से होगी। इसलिए अपने आप इस मन से ये क्वेश्चन ही निकाल दीजिए कि हमने फर्स्ट से फोर तक का सेम का कुछ नहीं पढ़ा, इसे मन से निकाल दीजिए। पढ़ना आपने वैसे भी है, क्योंकि जब आपने बीएड या डीएलएड करनी है वैसे भी है, तो यहाँ भी पढ़ना है, तो आप चुपचाप फिल करके तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपका है, अच्छा मैं आपको सिलेबस की जो ओवरव्यू है एक वीडियो में दे देता हूँ, जस्ट आप थोड़ा सा कमेंट कर देना, याद रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का, ये आपकी टोटल डिवीज़न है, फर्स्ट पेपर है, उसमें CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, इसके 30 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, ठीक। और दूसरा है कि लैंग्वेज एक आपने ऑप्ट करनी है, लैंग्वेज टू ऑप्ट करनी है, उसमें आपका कंटेंट, इसका मतलब है कंटेंट जो आप 6th, 7th, 8th प्लस 1, 2 ग्रेजुएशन तक पढ़ के आए हो अपने सब्जेक्ट का, फॉर एग्जांपल मैथ्स का आप पढ़ के आए हो, वो कंटेंट की नॉलेज, उसके क्वेश्चन आएंगे। मान लीजिए आपका पेपर वन लैंग्वेज का है, लैंग्वेज में से आपने लैंग्वेज इंग्लिश चूज की है, तो उसमें 15 मार्क्स के पैरा दो आएंगे, पैराग्राफ, टू पैराज ओके पैसेजेस, और पेडागोजी के 15 मार्क्स होंगे, ये हो गया। ऐसे ही लैंग्वेज टू का 15 मार्क्स का पैरा और पैराज दो होंगे और 15 मार्क्स के वो होंगे, पेडागोजी के भी क्वेश्चन 15 मार्क्स के या 15 MCQ होंगे। और ऐसे ही अगर आप साइंस हैं, आपने जहाँ साइंस स्ट्रीम ऑप्ट करनी है, जहाँ ये यहाँ पर और है, लेकिन यहाँ आपने फर्स्ट एक लैंग्वेज भी चूज करनी है, दूसरी भी चूज करनी है, वो कौन सी चूज करते हो ये डिफरेंट बात है। तो यहाँ पर साइंस अगर है तो कंटेंट के कितने क्वेश्चन होंगे, कम से कम 60 में से, ये 60 का होगा, 60 में से आपके साइंस और मैथ के मिला के 35 के करीब या 40 के करीब आपके क्वेश्चन ये हो जाएंगे, और पेडागोजी के मान लीजिए 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर SST है तो भी ऐसे है, 40 और 20 की रेशो आप लेके चल सकते हो। अब आपने ये देखना है कि ये जो कंटेंट के 40 हैं ये आपके एक हो गए नंबर एक, जहाँ इसमें 40 हो गए एक ही बात है, आपकी स्ट्रीम कौन सी है उस पर डिपेंड करेगा। फिर कंटेंट के 15 आपके लैंग्वेज के हो गए, 15 आपके ये हो गए, जो एरो डाउन है 1, 2, 3 इनको मैंने प्लस कर दिया, 15 जमा 15 30 और ये 40 हो गए 70। इट मीन 70 जो स्कोर है, 70 जो बन रहे हैं आपके, लगभग 70 बन रहे हैं ना, 15 15 30 और 40, हाँ 70 या ऐसे करते हैं 60 से 70 के करीब ये क्वेश्चन कंटेंट से रिलेटेड आ रहे हैं। वो कंटेंट क्या है जो 6th से आपने ग्रेजुएशन तक पढ़ा हुआ है, तो इसमें तो आप कॉन्फिडेंट हो ना,
इसमें कुछ तो आपको पता है ना, इतने सालों तक पढ़ा हुआ है, उसकी रिवीजन भी जल्दी हो सकती है। वो आप खुद भी एनसीईआरटी की बुक्स, एससीईआरटी की बुक्स, जहाँ बुक्स से आपने जिस भी से कंटेंट की तैयारी की वो पढ़ सकते हैं। अब बात रही ये 30 क्वेश्चन, इनको मैं ऐसे ब्लॉक कर रहा हूँ लंबे लंबे, और ये पैडागॉजी के ये 15 क्वेश्चन, और ये पैडागॉजी के 15 क्वेश्चन, और ये कलर दूसरा ले लें पता रहेगा। ये हो गया रेड वाला, और ये भी रेड वाला, और ये भी रेड वाला, और ये इसमें से 15, और ये 20 रेड वाला, है ना, ये या ये एक हो गए। तो ये कितने क्वेश्चन बने, 30, 15 15 30, 60 और प्लस हो गए 80। ये 80 क्वेश्चन आपके पैडागॉजी या CDP से, चाइल्ड डेवलपमेंट प्लस पैडागॉजी ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट से आएंगे। और 80 प्लस 70 क्वेश्चन ये हो गए आपके 150, हाँ बिल्कुल हो गए। तो इसमें आप कॉन्फिडेंट हो ना, ज़्यादा पहले से पढ़ा हुआ है। आपको तैयारी किसकी करनी है, ये जो 80 के करीब क्वेश्चंस हैं उनकी तैयारी करनी है। उनके लिए क्लासेस लग रही हैं, सारा यूट्यूब चैनल सभी लगे हैं, जहाँ भी आपको अच्छा लगता है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन आपका आंसर ये बिल्कुल क्लियर है कि कंटेंट कितना आना है और पैडागॉजी का कितना आना है, पैडागॉजी की आप तैयारी करनी है। नेक्स्ट आपका अच्छा क्वेश्चन है कि आपने पूछा है कि किस क्लास तक पढ़ना है। वो जो कंटेंट की अभी बात करके आया हूँ, कंटेंट कंटेंट कंटेंट, उसके कितने क्वेश्चन बने हमारे पास, उसके 70 के करीब क्वेश्चन बने हैं। वो आपका नॉर्मली अगर आप पेपर P1 फिल करते हैं तो वो स्कूल क्लासेस तक ही आता है, स्कूल क्लासेस, ठीक, नॉर्मली वैसे आना सारा ही स्कूल में से होता है, लेकिन पेपर सेटर की मर्जी है, वो अपने एरिया की मास्टरी है उसकी, मास्टरी लेवल का उसका क्वेश्चन भी डाल देते हैं कभी कभी, लेकिन वो लोअर लेवल के ही आते हैं। अगर आप P2 फिल कर रहे हो, मान लीजिए P2 आपने फिल कर लिया है, तो ये आपका 10+2 तक इजीली जा सकता है, वहाँ तक के प्लस ग्रेजुएशन का थोड़ा टच आ सकता है, थोड़ा टच, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन जो इसी में से आते हैं। इसलिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आप अगर P1 फिल कर रहे हो तो आप छोटी क्लास की, जैसे तीसरी, थर्ड, सेकंड, थर्ड से लेकर बुक्स आप 10th तक की, 7th तक की, 8th तक की, यहाँ तक की ये आप बुक्स पढ़नी शुरू करो। ये आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। वैसे भी इतनी PDF या YouTube पर सब कुछ दिया गया है, आप कहीं से ही पढ़ सकते हो, आपका लर्निंग स्टाइल कौन सा है इस पर डिपेंड करेगा। तो अगर ये है तो ये, इसके लिए भी आप NCERT की यही बुक्स 5th से ये शुरू कर दोगे, या 6th से शुरू करके आप 10th तक इतनी तो कम से कम पढ़िए। तो अभी पोस्ट ग्रेजुएशन के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये कह रहा हूँ, ग्रेजुएशन के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ये कहना चाहता हूँ। हाँ, फर्स्ट से 10 क्लास के लिए आप पढ़िए, ये पक्की बात है, आंसर यही है कि यहाँ से आता है, पर इसका मतलब ये नहीं है। ये ऐसे कह सकते हैं कि 90% इसी से आता है, बाकी 10% इंक्रीज हो सकता है हायर एजुकेशन से। यहाँ सर एक ही सब्जेक्ट का सब कुछ पढ़ना होता है, ऐसे नहीं है, वो मैं डिवीजन दिखा चुका हूँ आपको कि CDP और सब्जेक्ट Language 1, Language 2, और आपकी स्ट्रीम, अगर मैथ्स है तो मैथ्स के 60 क्वेश्चन मैथ्स और साइंस के, अगर आपकी सोशल साइंस है तो उसके 60 क्वेश्चन आएंगे, एक ही सब्जेक्ट से नहीं है, ये उत्तर हो गया आपका। या सर जैसे CET कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट के लिए बुक्स अवेलेबल थी मार्केट में, तो क्या BEd टेस्ट के लिए भी बुक्स, मतलब ये TET के लिए पूछ रहे हैं, अवेलेबल हैं गाइड ईच, लेकिन आपको ये सुजेस्ट कर दूँ कि बेस्ट यही रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो। थोड़ा कंटेंट पढ़ना है तो वो आप उसके लिए BEd की बुक्स आपके पास हैं, वैसे इतनी जल्दी आप क्लियर 40 डेज हैं आप नहीं कर पाओगे, दैट इज़ वाई आपको जो मार्केट में बुक्स आती हैं उन पर अभी नहीं जाना चाहिए। कारण ये है कि उनमें से उनकी वो बड़ी जल्दी जल्दी से लिखी गई होती हैं, तो इवेलुएट मैनेज की थी कम से कम 30 से प्लस बुक्स की इवेलुएशन की थी, और जो क्वेश्चंस आते हैं उनसे उनका रिलेशन फाइंड आउट होता ही नहीं है, दैट इज़ वाई आपको बुक्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। मैं री इवेलुएट करके अगर बेस्ट बुक्स पता लगती है तो वो बता दूंगा। हाँ,
आपको बुक्स अगर लेनी ही है तो प्रीवियस ईयर की जो पब्लिश्ड है प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करने के लिए वो कोई भी बुक ले सकते हो। इसके अलावा पीडीएफ अवेलेबल हैं पिछले पेपर्स की, नेट से वहाँ से भी प्रिंट निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एक बार टेट क्लियर ना हो, फॉर एग्जांपल आप अपीयरिंग कैंडिडेट हो, तो आपने ये लिख दिया मैंने TET, ये हो गया फर्स्ट टाइम है ना, ये हो गया सेकंड टाइम, ये थर्ड टाइम। इन्होंने पूछा है कि अगर ये क्लियर नहीं होता, यहाँ क्रॉस लगा दिया कि मेरा क्लियर नहीं हुआ, तो नेक्स्ट टाइम निकले तो जॉब पर किसी भी तरह के इफेक्ट तो नहीं पड़ता, क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं है। देखिए जॉब यहाँ गवर्नमेंट जॉब है, यहाँ लिख दिया मैंने गवर्नमेंट जॉब, और आपको क्या करना है गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए, आपकी बीएड कंप्लीट होनी चाहिए नंबर एक, नंबर दो टेट क्लियर चाहिए, नंबर दो आपका जो 3 ईयर वो सब्जेक्ट पढ़ा हो जो जिसकी गवर्नमेंट जॉब निकल रही है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश की है 3 ईयर पढ़ा हो, तो उसके कम से कम 50% सेंटर के लिए और स्टेट के लिए, कई स्टेट है डिपेंड करता है आपकी कौन सी स्टेट है, 50 से 55% मार्क्स भी चाहिए, ये भी है। और बीएड में उस सब्जेक्ट का, जैसे पैडागॉजी है, पैडागॉजी ऑफ इंग्लिश आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, जैसे इंग्लिश है वो इलेक्टिव पढ़ी हुई होनी चाहिए, जनरल वाली इंग्लिश नहीं चाहिए, गवर्नमेंट जॉब ऐसे मिलनी है, ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ। तो ये क्राइटेरिया है गवर्नमेंट जॉब तक पहुंचने के लिए। यहाँ पर आपको क्यों कहा जा रहा है कि आप फिल कर दीजिए TET के लिए, वो इसलिए कि अगर आप पहली बात कि अभी चांस मिला है तो कईयों का क्लियर जिसका हो जाता है उसकी तो ये प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई ना, वो बाकी जो एलिजिबिलिटी नहीं बन रही उसकी तरफ देखेगा। अगर ये नहीं आता तो TET नेक्स्ट टाइम कब आता है, जब तक शायद आपकी बीएड भी हो चुकी होगी, क्योंकि CTET भी 6 महीने के बाद होना था, हो नहीं रहा, पंजाब स्टेट में तो 2-2 साल का गैप भी पड़ रहा है, PSTET इतनी लेट भी हुआ है, दैट इज़ वाई जो मौका मिलता है उसको अवेल कर लेना चाहिए। सर कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स पैडागॉजी वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? यस, मैंने डिफरेंट वीडियो बनाया है, उसका लिंक नीचे दिया गया होगा, हाउ टू डिसाइड अबाउट स्ट्रीम और हाउ टू चूज अबाउट स्ट्रीम और सब्जेक्ट, ऐसा होगा उसमें दिया गया है। वैसे इसका उत्तर है कि हाँ आप फिल कर सकते हो, लेकिन फर्दर जो डिटेल है कैसे एलिजिबिलिटी गवर्नमेंट जॉब की आपकी बनती है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। हालांकि उसमें भी गवर्नमेंट जॉब तक पहुंचने के लिए आपके और केसेस डिस्कस होंगे, सारे नहीं हैं, आप क्वेश्चन करोगे उसके बाद मैं उसका आंसर भी दे दूंगा। सर इफ़ वन हैव इकोनॉमिक्स एंड मैथ एज ए पैडागॉजी सब्जेक्ट टू सोशल साइंस में अपीयर होंगे? देखिए पैडागॉजी के आपके हैं, हाँ उसमें भी मैंने उत्तर दिया है, यहाँ क्वेश्चन स्पेसिफिक है, अच्छा है। ये आपने देखना है, नंबर एक मैथ, क्या आपने 3 साल पढ़ा है, ठीक है, ये तो पैडागॉजी मिली है ना आपको, पैडागॉजी तो 1 ईयर के साथ भी मिल जाती है, कई यूनिवर्सिटी दे देते हैं 2 साल के साथ भी मिल सकती है, 3 साल पढ़ा है तो गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो। अगर आपने इकोनॉमिक्स 3 साल पढ़ी है, मैथ्स इकोनॉमिक्स पढ़ा है, तो आपको वो स्ट्रीम लेनी चाहिए। दूसरा, क्या आपने आपके मार्क्स 50% से प्लस हैं? दूसरा, तीसरा, क्या आप TGT के लिए लेना चाहते हो? TET अभी तक TGT के लिए है, PGT के लिए है ही नहीं है, अब्लिक PGT के लिए TET नहीं है, ये बात कहना चाहता हूँ। तो इकोनॉमिक्स जो है वो PGT के लिए है, दैट इज़ वाई यहाँ प्रेफरेंस बन रही है मैथ्स की, आपको मैथ्स फिल करना चाहिए। अगली बात, प्रॉब्लम क्या आएगी, मैथ्स के साथ साथ 15 से 20 क्वेश्चन साइंस के आ सकते हैं MCQ, उसकी तैयारी आपको अलग से करनी होगी। मतलब आपकी एलिजिबिलिटी मैथ्स की तरफ ज़्यादा जा रही है, आपको जॉब के लिए जब एलिजिबल होना है तो इन क्राइटेरिया से आपको गुजर के जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ इकोनॉमिक्स यहाँ रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि ये PGT की क्वालिफिकेशन है, इसके लिए TET भी कंडक्ट नहीं होता। और इकोनॉमिक्स के साथ अगर आपने मान लीजिए कोई और सोशल साइंस या हिस्ट्री इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी अगर पढ़ा है, अगर पढ़ा हुआ होता तो आपने वैसे SST ले लेना था, SST नहीं लिया इट मीन्स आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है।
तो ये बात डिफरेंट है। आप बाद में इकोनॉमिक्स के साथ हिस्ट्री का एडिशनल पेपर दे के, जहाँ इकोनॉमिक्स का दे के, ज्योग्राफी का दे के, जहाँ 13 सोशल साइंसेज जो टोटल दी गई हैं एनसीटी ने, आपकी स्टेट ने दी हुई हैं, उनमें से कोई एक बीए में एडिशनल करके फिर पैडागॉजी ऑफ एसएसटी करना है, पैडागॉजी ऑफ एसएसटी, फिर आप टीईटी जो है, टीईटी जो है सोशल साइंस में कर सकते हो। मैं इस साल बीएड एडमिशन ली है, फर्स्ट सेम है, मैं टीईटी दे सकता हूँ? यस एब्सोल्युटली, पिछली वीडियो में भी दिया गया है, जरूर फिल कीजिए, आप दे सकते हो। सुप्रीम कोर्ट और एनसीटी ने नोटिफिकेशन दिया हुआ है, कई वीडियो में मैंने शेयर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन उनका है जिनका टीईटी क्लियर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिनका नहीं क्लियर उनको भी ये देख लेना चाहिए, क्योंकि टीईटी करने के बाद भी कुछ नॉट एलिजिबल है। सर मैंने बीए में इलेक्टिव पंजाबी नहीं पढ़ी, नंबर वन यहां पर आपने उत्तर दे दिया, बीए में इलेक्टिव पंजाबी नहीं पढ़ी। दूसरा, मेरे बीए में कौन सा पढ़ा है? इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड पंजाबी। पंजाबी इलेक्टिव नहीं है, जनरल पंजाबी है। जनरल पंजाबी या जनरल इंग्लिश के बेस पर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो, एक बात मैंने बता दी। फिजिकल एजुकेशन है, लेकिन मैंने एमए पंजाबी की हुई है, बेशक एमए पंजाबी की है, लेकिन इलेक्टिव पंजाबी, यहाँ पर लिखो इलेक्टिव पंजाबी जो 3 ईयर के लिए पढ़नी होती है, वो जब तक नहीं पढ़ी तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आपकी एमए पंजाबी है तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो सकते हो। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी डिपेंड करता है, आप नेचुरली पंजाब के ही होंगे आप। तो आपने अगर पैडागोजी, आगे चल के देखते हैं कि इन्होंने पैडागोजी ऑफ पंजाबी पढ़ी हुई है। देखिए पंजाबी इन्होंने यहाँ तक है कि भी पास किया है। सर एलिजिबल हूँ कि नहीं, प्लीज़ मेरा कॉम्बिनेशन क्या है? वैसे बीएड में मेरा टीचिंग सब्जेक्ट एसएसटी और पंजाबी है, देख लीजिए, टीईटी भी क्लियर है, पैडागॉजी और पंजाबी भी क्लियर है बीएड में, लेकिन ग्रेजुएशन में इलेक्टिव पंजाबी नहीं है, दैट इज वेयर आप नहीं पंजाबी के लिए, टीजीटी के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, पीजीटी के लिए हो सकते हो। दूसरा, लेकिन जब मेरा टीजीटी पंजाबी में नंबर आया, देखिए जॉब में इनका नंबर आ गया था, और टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं हूँ उन्होंने कहा, अब मैं क्या कर सकता हूँ? प्लीज़ मुझे कुछ बताइए, क्या मैं पंजाबी और एसएसटी के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं? अगर हूँ तो किस पोस्ट के लिए? देखिए दूसरा, एसएसटी के लिए भी इनको देख लेते हैं, इन्होंने पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स पढ़ी है। अगर ये पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स 3 ईयर के लिए पढ़ी हुई है, तो ये इनकी अगर पंजाब में है तो 55% मार्क्स ग्रेजुएशन में, सब्जेक्ट में भी देखे जाते हैं, कई बार क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। अगर ये हैं, और एसएसटी इन्होंने यहाँ पर पढ़ी हुई है, आप एसएसटी के लिए एलिजिबल हो, टीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए एलिजिबल हो। अब आपका क्वेश्चन है कि आप पंजाबी आप में कैसे एलिजिबल हो? आपने यहाँ लिख दूँ बीए का एडिशनल देना है, यहाँ लिख देता हूँ बीए का पंजाबी, इलेक्टिव पंजाबी का, इलेक्टिव पंजाबी का 3 ईयर का, 3 ईयर के एग्ज़ाम देने हैं। इसमें हर साल के 2 एग्ज़ाम होते हैं, इलेक्टिव पेपर ए, पेपर टू, और बीए फर्स्ट का, बीए सेकेंड ईयर का पेपर वन, पेपर टू, बीए थर्ड का पेपर वन, पेपर टू, जो टोटल 6 पेपर होते हैं इलेक्टिव पंजाबी के, ग्रेजुएशन के, आपकी यूनिवर्सिटी से ही होगे जहां से ग्रेजुएशन की है, वहां से आप इलेक्टिव के ये दे के आप कर लोगे पास। ये 1 मंथ में ही हो जाते हैं, तो आप इनको पास करते हो तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए, पंजाबी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। हर हालत में आपको कर लेनी चाहिए, उसके बेस पर आपकी पीजीटी पंजाबी के लिए भी कोई रुकावट नहीं आएगा। ये भी कुछ क्वेश्चन है, वो भी आपके यूट्यूब के ही जो कमेंट किए थे उनमें से क्वेश्चन थे, जस्ट मैंने वहाँ पेस्ट किए हुए थे। सर आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है? देखिए मैंने 9872978981 दिया गया है, वो मेरे साथ एसोसिएटेड ही हैं, बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल ही हैं, आप इस नंबर पर बात करके जो भी पूछना है पूछ सकते हो। नेक्स्ट है ऋषभ अरोड़ा, सर पेपर 2 कॉमर्स आपने लिखा है, विद इकोनॉमिक्स वाले क्या ऑप्ट करेंगे? आप सोशल साइंस ऑप्ट करोगे पेपर 2,
ये डिफरेंट वीडियो एक बनाया गया है हाउ टू चूज स्ट्रीम, उसमें डिटेल में बताया गया है गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबिलिटी तक पहुंचना कैसे है। नेक्स्ट है, गुड मॉर्निंग सर, प्लीज़ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट बारे दस दियो की करना है कि तुहानू एडिशनल पेपर देना है। देखिए TET के लिए दोनों अपीयर हो सकते हैं, कॉमर्स वाले SST फिल करेंगे, सोशल साइंस फिल करेंगे पेपर टू, और इकोनॉमिक कॉमर्स और इकोनॉमिक्स है आपकी एलिजिबिलिटी के लिए, डिफरेंट वीडियो बन जाएगा। यहाँ पर अगर आप ब्रीफ में बता देता हूँ, आपकी पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स है, आपने 3 साल पढ़ी हुई है ग्रेजुएशन में, BEd में पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ ली है, उसके बाद आपके मार्क्स 55 चाहिए, क्योंकि ये डिपेंड करता है स्टेट कौन सी है, कई स्टेट में 50% है, कई स्टेट में 55%। उसके बाद आप इकोनॉमिक्स वाले PGT इकोनॉमिक्स 10+1 और 2 को टीच करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। कॉमर्स का भी ऐसे ही है, टीचिंग ऑफ कॉमर्स, पेडागोजी ऑफ कॉमर्स आपने पढ़ी हुई है, और उसके साथ आप 3 साल कॉमर्स भी पढ़ी हुई है ग्रेजुएशन में, आपकी सीधी एलिजिबिलिटी PGT के लिए सीधी बन रही है, TET के लिए आपकी SST बन रही है। तो SST के लिए आपने PRT जहाँ फर्स्ट से फिफ्थ तक और 8th तक के लिए आपने एलिजिबल बनना है, तो कैसे बनना है इसके लिए डिफरेंट वीडियो में एलिजिबिलिटी पर निकालूंगा, उस पर बात कर लेंगे। अगर आप इसको क्वेश्चन को स्पेसिफाई कर दें कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, तो उसका उत्तर आपको नेक्स्ट में मिल जाएगा ब्रीफ में, क्योंकि अभी मैंने क्लासेस लेनी है, तो दैट इज़ वाई टाइम। मैंने इस साल BEd विच एडमिशन ली है सर, फर्स्ट है। हाँ जी, आप अपीयर हो सकते हो TET में। सर जी, आप कौन सा कैमरा यूज़ करते हो? मैं XA40 कैनन यूज़ कर रहा हूँ, 4K। नेक्स्ट है, सर मैंने इलेक्टिव पंजाबी, ये बात हो चुकी है। आपका कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हो, क्लासेस अटेंड कर सकते हो ऑनलाइन TET के लिए। लर्न टू एक्चुअलाइज, डॉक्टर तीरथ सिंह, थैंक यू।